तो अभी आप इसका कलर देखोगे तो पीछे से ब्लैक है, आधा ब्लू है और सामने नियॉन टाइप जैसे माउंटेन ड्यू की बॉटल होती है। क्योंकि मुझे याद है 2017-18 में जब मैं गोप्रो लगाता था अपने हेलमेट पे तो मुझे एमसील यूज करनी पड़ती थी। उस टाइम पे मार्केट में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। देखा बहुत अच्छा, मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज करा है। लेकिन एक दिक्कत जो मुझे याद है, जो मेरा अंदर का हिस्सा था वो दांतों से रगड़ता रहा और वो छिलता रहा और मैंने रियलाइज नहीं करी ये चीज। वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है शाम के 5:30, मतलब वीडियो शुरू होते होते पहली वाली 2 बजे शुरू हुई, फिर 3, फिर आज 5:30, मतलब अब ऐसा टाइम आने वाला है अगर मैंने एक और वीडियो यहाँ पे बना दी ना वो पक्का रात में ही बनेगी। वैसे रात का इंतजाम है, लाइटिंग वाइटिंग, वैसे ये जगह नहीं बताई ना मैंने आपको, तो ये जो जगह पिछले 3 वीडियो से देख रहे हो ये भी एक टाइप का मेरा घर ही समझ लो। ये आता है बिदर के आउटर एरिया में, मतलब बिदर सिटी में नहीं आता, बाहर आता है। तो ठीक है ये सब बातें छोड़ो, जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले जो बच गए थे, तो बस उसी चक्कर में ये वीडियो बन रही है। और वैसे ये लास्ट वीडियो है जिसमें डब्बे खुल रहे हैं, मतलब आप भी बोर हो गए होंगे, मैं खुद बोर हो चुका हूँ यार, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एक ही जगह से बोलते बोलते। लेकिन ये लास्ट वीडियो है जिसमें डब्बे खुल रहे हैं, इसके बाद सीधा हम खुलेंगे, मतलब कि हम सीधा राइड पे चलने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रैवल सीरीज शुरू होने ही वाली है कल सुबह से। तो आज के लिए जो डब्बे बचे थे वो आए नहीं अब तक, एक तो आ गया, 1, 2 और ये 3, तो आज आ चुके हैं अपने पास इतने सारे डब्बे। ये डब्बों में क्या क्या है, ये है बोबो का चार्जर, इसको बाद में खोलेंगे, ये है लेपल माइक और ये है गोप्रो का माउंट, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़े डब्बे से। सबसे बड़े डब्बे में गेस करो क्या, हेलमेट है। फिर आप बोलोगे वो क्या, वो भी हेलमेट है, तो इसमें क्या लग है वो पहले मैं खोल लूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि क्या लग गया। डाउनलोड द मैनुअल एंड विन रिवॉर्ड्स, बहुत सही बात है, क्यों फालतू में पेपर ख़राब करते हैं मैनुअल के चक्कर में जब कोई पढ़ता ही नहीं है। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा आई थिंक, यार ये तो अलग ही तरह से निकला आया, ऐसे ही पैकिंग है। तो ये रहा अपना LS2 का हेलमेट। और अभी आप बोलोगे कि भाई ये कौन सा कलर होता है, बताऊँगा हर चीज़ बताऊँगा। इसकी यहाँ से ये उतर जाएगी, तो डबल वाइजर है, एक अंदर ये भी आता है। तो अभी आप इसका कलर देखोगे तो पीछे से ब्लैक है, आधा ब्लू है और सामने नियॉन टाइप जैसे माउंटेन ड्यू की बॉटल होती है वैसा है। तो इसको साइड में रख देते हैं 2 मिनट। तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना गोप्रो का माउंट, आई थिंक माउंट ही है, खुल गया, हाँ जी। तो ये है स्पेयर चिन माउंट, ये क्या दे रखा है, फन फैक्ट्स अबाउट योर चिन माउंट, कोई बात नहीं बाद में पढ़ेंगे, हाँ जी। तो ये है, तो ये लग जाएगा अपना डायरेक्ट फिट यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधा कैमरा माउंट कर सकते हैं अपना गोप्रो। और अगर ये नहीं लगाना तो दूसरा ऑप्शन है अपने पास, ये बकल टाइप होता है, ये हम यहाँ पे ऐसे सीधा टाई कर सकते हैं और जब निकालना है तब निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी क्योंकि मुझे याद है 2017-18 में जब मैं गोप्रो लगाता था अपने हेलमेट पे तो मुझे MCL यूज़ करनी पड़ती थी। उस टाइम पे मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी क्योंकि जो 3M टेप थी वो निकलाती थी। तो आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आप टाइम टू टाइम हेलमेट चेंज कर रहे हो, मतलब कहीं जा रहे हो और वहाँ पे बाइक रेंट कर रहे हो लेकिन आपके पास हेलमेट नहीं है आपका, तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, ये आराम से यहाँ पे बन जाता है और बहुत ही सेफ है, ठीक है। इनको भी साइड में रख देते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है अपना लेपल माइक, लैवलियर कंपनी का। तो ये ऑलरेडी खुला हुआ है, क्यों भाई, तो मतलब माइक की पैकिंग देखोगे आप, पूरा पाउच के साथ दे रखा है, वाह भाई। और ये है थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, हाउ टू यूज़ माइक्रोफोन, इतना तो पता है यार। तो अभी माइक देख लेते हैं, अभी ब्लेड लग गया होता है नए हेलमेट पे। ये रहा अपना लेपल माइक, तो एक कनेक्टर अलग से दिया हुआ है, ये 3 पिन का है और ये 2 पिन का है, ठीक है। तो ये माइक लग जाएगा अपना हेलमेट के अंदर, लगा के ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसकी ये खुल जाती है लॉकिंग के बाद आप अपना माइक यहाँ पे आराम से रख सकते हो बिना किसी झंझट के। और यहाँ पे जब अपना गोप्रो का माउंट लगाओगे तो माइक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये दिया हुआ है क्लिप, अगर आपको यूज़ करना हो तो वायर के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को रख देते साइड में, ये भी काम आने वाली चीज़ है। तो जो अपना लास्ट प्रोडक्ट है ये तो मतलब मैंने ऐसे ही ले लिया, मतलब ये है बोबो का चार्जर,
बोबो नाम आपको सुन के अजीब सा लगेगा लेकिन नाम ही बोबो है यार। ये होता है जैसे अभी मैंने बाइक में RS 200 में आपने देखा होगा कि मैं रैम माउंट यूज़ कर रहा था और स्कूटी जुपिटर में भी रैम माउंट है, तो ये उससे एक हटके है, मतलब उससे एक क्वालिटी अच्छी चीज़ है। अभी आप देखोगे तो ये डायरेक्ट फिट आ जाता है आपके हैंडल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉल है, ये बॉल इसमें चार्जर के पीछे लग जाएगी और इसको आप डायरेक्ट फिट कर सकते हो, मतलब ये प्लग एंड प्ले वाला काम है। यहाँ पे आप ऐसे इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा, 5 इंच तक आराम से आ जाता है। और इसके पीछे एक बटन दे रखा है जो वाटरप्रूफ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी रैम माउंट में यही दिक्कत होती है कि ठीक ही कभी बारिश आ जाए या कभी बाइक धुलाने जाते थे तो उसके अंदर पानी चला जाता था। वैसे तो टचवुड अब तक कभी ख़राब नहीं हुआ, लेकिन रिस्क तो था। अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी लगाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ लगा के मतलब है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रैम माउंट लगा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ लगने वाली है, कैसे लगने वाली है। तो ये लग जाएगा आपके बाइक के हैंडल पे, यहाँ पे ये स्क्रू खोलना आपको और ये बॉल इसमें चली जाएगी और ये आप या तो ऐसे लगा लो या तो ऐसे लगा लो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसकी कॉस्ट देखोगे तो आप आराम से 1500 से 2000, और इसमें वायरलेस का भी ऑप्शन आता है, लेकिन वायरलेस से GoPro चार्ज नहीं होता। मुझे तो GoPro चार्ज करने के लिए मेन ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ फ़ोन चार्ज करना है तो इसमें वायरलेस चार्जर आता है, वो भी आई थिंक 2500 तक होगा, आप वो ले सकते हो। तो इसको तो साइड में रख देते क्योंकि ये चीज़ मैं अभी करके नहीं दिखा सकता। हाँ, और एक और चीज़, अभी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि भाई आपने जुपिटर पे चार्जर कैसे लगाया, ठीक है, क्योंकि जुपिटर में हैंडल बार तो ये आप कहीं लगा नहीं सकते। तो ये जो बोबो ने एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाई है, ये है, आप मिरर पे लगा सकते हो, जो बाइक या स्कूटी का मिरर होता है उसमें खोल के आप ये लगा लो और उसके बाद इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर दो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बाकी किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। बाकी इन्होंने एक फ्यूज़ दे रखा है एक्स्ट्रा कि अगर गलती से कहीं शॉर्ट हो जाता है फ्यूज़, इसका यहाँ पे लगता होगा ये रहा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कभी भी चार्जर के बारे में सोचना है तो आप आँख बंद करके बोबो का ले सकते हो, क्योंकि महंगा लो एक बार और सस्ता लो बार बार, या तो आप 500-500 रुपए के 4 बार ले लो। जैसे क्योंकि आप मेरी कोई भी बाइक देखोगे तो उस पर हर पे चार्जर लगे। उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे को हर बाइक में चार्जर चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी वायर कट जाती है, कभी उसका स्विच ख़राब हो जाता है, तो इस चक्कर में मुझे 500-500 के 4 बार लेने पड़ गए हैं। इसलिए इस बार मैंने सोचा कि एक लेते हैं और ढंग का लेते हैं, इनको रख दो। अब आ जाते हैं अपने हेलमेट पे। तो अभी सबसे पहले तो आप यही बोलोगे कि ये कलर कौन सा है, तो ये कलर है नियॉन ब्लैक। भी बहुत यूज़ करे, रेड भी बहुत यूज़ करे, वाइट भी यूज़ कर लिए, हर चीज़ यूज़ करके देख ली, तो मुझे चाहिए था एक फंकी टाइप। और फंकी से ज़्यादा ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें क्या है पता है, कि इसकी जो पैडिंग है इतनी अच्छी, और मतलब अगर आप इससे कंपेयर करता हूँ, मैं सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं इससे कंपेयर करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वेगा बहुत बेकार है, लेकिन वेगा बहुत अच्छा है, मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करा है। लेकिन एक दिक्कत जो मुझे याद है, जब मैं आया था दिल्ली से बिदर नॉनस्टॉप, मतलब जो आपने लास्ट टू लास्ट कुछ वीडियो देखी होगी, तो उसमें क्या हुआ था, मुझे एक चीज़ नहीं पता चली कि घर आने के बाद ना मेरे मुंह में छाले हो गए यहाँ पे, तो मैं कुछ भी खा रहा हूँ मुंह जल रहा है, ऑब्वियसली जले गई। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने ऐसा क्या खा लिया रास्ते में कि जो मेरे मुँह में छाले हो गए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि जब मैंने ये हेलमेट पहना था, तो मतलब ये वेगा का जो स्ट्रक्चर है ना, शेप है ना, वो जब आपके मुंह पे आता है ना, तो आपके जॉ को ऐसे दबा देता है, तो मेरे जो गाल है, मेरे गाल ऐसे दब गए, और 35 घंटे तक मैंने जितना भी मोटो ब्लॉक करा है मेरे गाल ऐसे ही दबे रहे। तो इस चक्कर में जो मेरे अंदर का हिस्सा था वो दांतों से रगड़ता रहा और वो छिलता रहा, और मैंने रियलाइज़ ही नहीं करी ये चीज़। तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि एक टूरिंग हेलमेट की कितनी अहमियत है एक टूर पे, तो उस चक्कर में मैंने ये लिया। तो अभी आप इसको देखोगे तो ये लगभग है 6500 का, और कलर की चिंता मत करो, कलर बहुत ऑप्शंस है इसमें, यहाँ पे ब्लैक आ जाता है, रेड आ जाता है, ब्लू आ जाता है, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा था तो मैंने इसलिए ले लिया। तो अभी तो सबसे पहले मैं ये वाला माउंट तो अभी लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल पे लगाना है कैमरा, तो ये तो मैं शायद थोड़ा टाइम लेके लगाऊं। उससे पहले टाइमिंग मैं इसको लगा देता हूं। माइक तो मतलब प्लग एंड प्ले वाला काम है। माइक लगाने के बाद एक छोटी सी राइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। इसके भी माइक में कोई दिक्कत नहीं थी, देखो ये भी एक नॉर्मल माइक है, आपको दुनिया भर के माइक मिल जाएंगे, ठीक है, माइक ऐसा नहीं है कि यही लेना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप ज़्यादा हाई क्वालिटी माइक में जाओगे तो उसमें स्विच आ जाता है, बैटरीज आ जाती है। स्विच में क्या होता है, आपको हर टाइम, तो मतलब आप पूरे दिन मोटर व्लॉग कर रहे हो, आपको पूरे दिन तो याद नहीं रहेगा ना कि ऑन करना ऑफ करना है। मेरे साथ बहुत बार हुआ, लेकिन मैंने इतना कभी यूज़ नहीं करा स्विच वाले, तो उसमें आप कई बार ऑन करना भूल जाते हो और आप पूरी रामकथा सुना दे तो बाद में आपको पता चलता है कि आपने तो माइक ऑन नहीं करा। बैटरी वाले में ये इशू आता है कि उसकी कई बार सेल डाउन हो जाते हैं और ऐसी जगह पे आपको सेल भी नहीं मिलते उसके। तो बेस्ट है, ये रेंज में आप कोई भी लेवल माइक ले सकते हो, लेकिन ये जो लेवलियर का लेने का रीज़न ये है
कि इसमें दोनों चैनल में बिल्कुल इक्वल आवाज आती है। अगर आप इसका देखोगे तो इसको एडिटिंग के टाइम पे मेरे को कई बार चैनल स्विच करने पड़ते हैं। अगर आपने मेरी कोई कोई वीडियोस देखी होगी मेरे ख्याल से स्कूटी राइड की, तो आप उसमें नोटिस करोगे ना, तो सिर्फ एक कान में आवाज आती है अगर आप ईयरफोन पे देख रहे हो। तो उसका रीजन यही था कि एडिटिंग में मैं उसको चेंज करना भूल गया। तो अभी चलते हैं, इसको पहले बांध लेते हैं और चलते एक छोटी सी राइड पे। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो गया, मतलब जितनी देर में ये मैंने माउंट बांधा है कैमरे पे और माइक सेटअप करा है। आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी, लेकिन थोड़ी सी विंड नॉइज़ होगी क्योंकि जो माइक है ना वो नीचे लटक रहा है और अभी मेरा वाइजर भी खुला है। तो लो स्पीड पे तो ऐसे भी मतलब इतनी विंड नॉइज़ नहीं आती। जब हम 100 के ऊपर चलते हैं तब इसका मतलब असली टेस्ट हो पाएगा, लेकिन अभी कोई रोड नहीं है कि 100 के ऊपर चल पड़ो। तो ठीक है, ये वीडियो के लिए बस यहीं तक ही। अगर यहाँ तक देख लियो तो लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। जब से मैं लद्दाख से आया हूँ तो RS 200 मेरे पास ये, तो इसका भी टाइम आ चुका है। अभी इसको मैं जाते जाते अपने दोस्त को देके चले जाऊँगा। अभी के लिए खत्म, टाटा बाय बाय। अंदर लगा दूँ, इस पे छोड़ेगा। और कल मेरी फ्लाइट है बिदर से बैंगलोर। तो अभी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप गए हो कभी ट्रैवल करा अपने ट्रू जेट से, तो वो ट्रू जेट नहीं है, वो फॉल्स जेट है। पता क्यों? क्योंकि वो हर बार कैंसिल हो जाती है। और मैंने ना पिछले एक साल में लगभग 4 टाइम है अब तक टच वुड कैंसिल नहीं हुई है।